तो रहा था, लेकिन अब पहली नजर तो आप देखता है कि ये सेंटर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी जो है इधर से कैसे आपकी हो गए हैं और सेहत पा के गए हैं। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह आप जो भी हैं वो भी जो है एक अच्छा शहरी बन के रहेंगे। और ये जो है नशा और ड्रग ये इस्तेमाल करना, ये एक तो समाज के लिए भी खराब है, पहली बार तो ये अपने घर के लिए भी खराब है। आपके बच्चे हैं, आपके बड़े हैं, वो भी देख के क्या समझेंगे कि भाई ये जो है वो काम करने के बजाय है कि नशे के आदी बन गए हैं, जिससे किसी का कोई फायदा नहीं, इसमें नए इंसानियत रहती है, नए इंसान बन सकता है या किसी के काम भी नहीं आ सकता एक ही जगह पे। और ये मेरे ख्याल में कि तकरीबन किसी वजह से आदमी के पास ये चीज़ें आ जाती हैं, ये तो एक मजबूरी होती है, लेकिन ऐसे सेंटर में आने के बाद मेरे आदमी को भी कुछ सोचना चाहिए कि भाई हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो नहीं चाहते कि वो सारा दिन सारा काम छोड़ के बच्चे इस बीमारी में पड़ जाए। और इसीलिए उन्होंने आपके साथ एक यानी अच्छा शुरू को करके इधर एक सेंटर में आपको ले आए हैं कि आप अच्छा शहर बने। हमारी भी दुआ है कि इंशाल्लाह अच्छा शहरी बन के बिल्कुल ठीक ठाक हो के और इन चीज़ों को गंदा समझ के सही तौर पे और चले जाएंगे एक दिन। और इंशाल्लाह आप अपने बड़ों की खबर करेंगे, अपने बच्चों के लिए एक सबक आप पेश करेंगे कि भाई हमने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया उसमें से कोई फ़ायदा नहीं है, और आप भी अच्छा शहरी बन के रहें और अच्छा काम करें। हमारे गांव का एक टीचर था जिसको हम जानते हैं और आज भी वो जिंदा है, वो उसमें भी ये बुराई आ गई थी, वो भी नशे का आदी बन गया था, लेकिन अचानक उसको शोर में ये आ गया कि भाई ये चीज़ें बहुत खराब है और मैं क्यों ना अच्छा इंसान बन जाऊँ। तो उसने नशा वगैरह हर चीज़ छोड़ दी और वो सिलेक्ट हो गया, एक प्राइमरी टीचर बन गया। अब उनका एक बेटा कर्नल है आर्मी में, उनको पढ़ाया, हर तरह जो अपने भाई पे दिया, एक कर्नल है, एक जो है वो प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में, और एक बेटी उसकी मैनेजर है हबी बैंक की, एक जेएस के लिए। और उन पे इतना असर हुआ जब इसने नशा छोड़ा तो कुदरत ने इन पे इतनी मेहरबानी की कि उन्होंने 4 कुरान मजीद जो है अपने हाथ से लिखे हैं उन्होंने। और जो भी जिसको भी जो भी दुआ करता है तो उसकी वो यानी हो जाती है। अभी उसको पीटीवी वालों ने बुलाया था, इंटरव्यू उसका हुआ था, उन्होंने किया था, और KTN किया था, आवाज़ टीवी वालों ने किया था, और परसों कल यानी थर्सडे को कल नहीं परसों उसको सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बुलाया है। वो इतना अच्छा आदमी बन सकता है, अगर ये बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। आप अगर ये छोड़ेंगे और अच्छा यानी आदमी बन के रहेंगे, अपना सुलूक जो है वो अड़ोस पड़ोस वाले जो बंदे आपके साथ मिलने जुलने वाले होंगे या दोस्त या अजीज रिश्तेदार जो भी होंगे उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। और ये सिर्फ उसी में होगा कि ये गंदी चीज़ आप छोड़ेंगे तो उसके बाद होगा, फिर इंशाल्लाह आपका औलाद होगा और आप भी उनको नसीहत करके वो अच्छी यानी मकाम पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक बुरी आदत का सबक देंगे कि भाई इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें से अपने बड़ा धोखा खा चुके हैं अपने दोस्तों की वजह से या अपने कुछ ऐसे अजीज़ों की वजह से जिसकी वजह से हमें ये आदत पड़ी थी। और आप इंशाल्लाह छोड़ेंगे इस सेंटर में, हमें उम्मीद है इसका जो सेटअप हमने देखा है, मेरे ख्याल में ये एक कुदरती तौर पर ये जो है एक बड़ा अच्छा काम है। इनसे ज़्यादा
कोई अच्छा काम नहीं है कि एक मजबूर इंसान को एक इंसान बनाए, एक उनकी जो है वो परवरिश करके और उनको ये इन्हें बुरी चीज़ों से बचा के अच्छा इंसान बनाए। तो मेरे ख्याल में नाजिम मंगी साहब उनका जो भी बोला इंशाल्लाह आप भी इनको दुआएं करेंगे और ये आपके दुआ होगी कि इंशाल्लाह एक दिन आप अच्छे आपके बन जाएँ और ये गंदी चीज़ें।